धमकी दे रहा था घर पे आके हंगामा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो गली के लड़के तो वैसे ही खड़े हैं, मार के पीट के सीधा कर देंगे, उसके बाद जो बचा कुचा है तो ये चर्सी निकाल देंगे इसकी। ठीक है, इस तरह नहीं किसी को डील किया जाए, डील करो प्रेम से करो, प्रेम से। जैसे आप बात कर रहे हैं तो आपकी बात अच्छी लगी, मेरे पास होगा मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेमेंट नहीं देनी है मेरे को, मैं गुंडा हूँ ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मैं पेमेंट नहीं दूंगा, मैंने ये बात नहीं कही है, मैंने लिया है बैंक से लिया है मैं करूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ समस्या आ जाती है, कस्टमर के साथ भी आपके साथ भी आ सकती है, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। लेकिन धमकी दे के या कुछ करके, देखो सर ऐसा है कि आप भाई हो, छोटे भाई हो चाहे बड़े भाई हो। नहीं नहीं छोटे ही होंगे, बड़े कहाँ होते होंगे सर। नहीं मेरी तो 38 उम्र है। मेरे को सर अभी 27 है। 27 है, अच्छा तब तो छोटे भाई हैं। तो वही चीज है, आप अपने आदमी आप मतलब जितने भी आपके हैं जो भी हैं एजेंट हैं चाहे वो जो भी हैं, उनको ये बोलो प्रेम से पहले बात को। हाँ कस्टमर बदतमीजी करता है तो उसकी माँ तो हम चोट देंगे बहन के लौड़े की, आप हमको बता देना कि ये फलाने जगह का है इसने ऐसा किया है, उसको घर ही से हम उठा लेंगे साले को। बदतमीजी किया तो अगर लीगल तरीके से आप जा रहे हैं उसके बाद भी अगर उसने नहीं सुना तो, लेकिन इलीगल किसी के साथ करना अच्छा नहीं होता भाई जी, समझ रहे हैं ना आप बात को। नहीं सेट आप लीगल तरीके से बात करिए, आप आइए आपका स्वागत है, मेरे घर आइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास आइए, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा, पानी भी चाय भी पिलाऊंगा, नाश्ता भी कराऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा। दे दो रिपोर्ट दे दो। हेलो ठीक। हाँ हाँ सर बोलिए ना। हाँ सारी चीज मैं करूंगा, लेकिन आप आएंगे हंगामा करेंगे, हंगामा करने से आपको पैसा मिल जाएगा, खाली आप मेरी बेइज्जती करेंगे। लेकिन जब बेइज्जती करेंगे तो कस्टमर पागल हो जाता है, फिर उसके लिए क्या बुरा हो जाएगा वो भगवान ही जानते हैं, वो तो आपको पता ही है। बिल्कुल। और मेरे जैसे आदमी तो बहुत कम ही मिलेंगे, क्योंकि मैं कभी भी किसी सही बात करता हूँ, मैं कभी भी किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, चाहे स्टाफ में चाहे किसी से भी बात करता हूँ। जैसे वो विनय था ICI वाला, तेरा तेरे घर आ रहा हूँ टीम लेके, मना तू बात कैसे कर रहा भाई, जरा मैं टीम लेके आ रहा हूँ फिर बात करते हैं वहीं घर पे, मैंने कहा ठीक है आ जाओ, लेकिन दो चीज लेके आना, ID कार्ड ऑथराइजेशन लेटर। कह रहा उससे तेरे को क्या लेना है, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है आ जा। आया, ID दिखाया, ID मैंने चेक कराई बैंक में, फर्जी निकली, ऑथराइजेशन लेटर था नहीं उसके पास, वीडियो बन गई सारी वो। उसके बाद मैंने फोन कर दिया, 5 मिनट के अंदर लड़के आ गए, मैंने कहा भाई ये तो आया है, ये चोरी करने आया है घर पे, अब इसकी माँ तुम लोग चोद दो जैसे चोदना है। इतने ही मार खाया है भाई साहब, अब भी आपको नंबर दे दूं, आप बात कर लेना उससे। ये मेरे को कल कॉल किया था, कह रहा संतोष सर आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैंने कहा भाई अभी तू बच गया, अभी कुछ गलत नहीं किया, चर्सी नहीं आए थे, चर्सी आते तो तेरे को इतना चीरा मारते ना शरीर में कि साले 7 साल 8 साल 10 साल तक नहीं भरता। ठीक है, और तेरा ना ब्रांच हेड बचाने आया ना कोई आया, तू धमकी दे रहा था टीम लेके आऊंगा ये करूंगा वो करूंगा, तो टीम लेके तू आया, तेरी टीम कुटी, तू कुटा, वीडियो बनी, RBI में कंप्लेन हुई। मैं पेमेंट के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पेमेंट तो मैं करूंगा, लेकिन जबरदस्ती अपने तरीके से करना चाहिए। हाँ वही है, देखिए कहने का मतलब मेरा ये है, आप लीगल तरीके से बात करिए ना, आपका कहने का मतलब ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कर रहे हैं बात कर रहे हैं तो आपको मेरे से बात करनी है, ना गली में आपको चिल्लाना है, ना मेरे वाइफ को, ना मेरे माँ को, ना मेरे बहन को, किसी को बताना है, क्योंकि लोन मैंने लिया है। ठीक है, मेरे से आप बात करिए, तरीके से बात करिए, तरीके से मैं बात करूंगा, लेकिन मेरे को धमकी दोगे उठवा लूंगा ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो मैंने वही विनय को बोला, मैंने कहा तूने सारी धमकी दी थी, तेरे साथ घट गया, मेरी झांट का बाल उखाड़ लिया तूने, और कहे तो वही हॉस्पिटल पहुंचते हैं।
अलग ट्रीटमेंट करते हैं तेरे को। कह रहा नहीं नहीं संतोष सर आपका हाथ जोड़ रहा हूँ और मेरी गलती थी, मैंने गलत बोल दिया आपको। मैंने कहा देखो आपको मैं सर कह रहा था और उनको इनको ज्योति मैडम को मैं मैडम कह रहा था, ठीक है, लेकिन आप समझे कि ये तो चूतिया है, नौकरी कर रहा है, डर जाएगा दे देगा, लेकिन किसी को डरा के आप नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल फैक्ट है सर, ये फैक्ट है, ठीक है। डरा के आप निकालेंगे तो कहाँ यमराज मिल जाए, 10 जगह जाएंगे तो 10 में से एक यमराज मिल जाता है कोई भी हो। तो उस तरीके से आप बात करिए, पेमेंट है मेरे पास तो मैं दूंगा, क्योंकि मेरा इससे मेरा नुकसान है, मेरा नुकसान यही, मेरा सिविल डाउन जा रहा है, कल को मैं 1 रुपया कहीं मांगने जाऊंगा बैंक में तो वो नहीं देगा मेरे को। तो वही चीज इसको बोला वोला तो कह रहा सर सॉरी सर ये वो। मैंने कहा ठीक है अब जो हो गया हो गया, लेकिन दोबारा कभी भी किसी के दरवाजे बजाना तमीज से जाना, ठीक है। अगर 10 जगह जाओगे तो 1 जगह कहीं कोई ना कोई गलत आदमी मिल जाएगा तुमको। बिल्कुल, तो वही चीज है। अब ये आजाद आजाद का मेरे को ऐसा सर भर गया है दिमाग में, गले से उतर नहीं रहा है, और इसको मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग वहाँ से हटा दो, क्योंकि ये क्रोध की अग्नि में जल जाएगा। किया गया था सर, है? सर आपकी बात तो रखते हुए ना, आप उसी दिन आपकी बात को हमने नोट कर लिया था, कस्टमर से पैसे से बिहेव किया है। अगर आपको मैं वो रिकॉर्डिंग, अच्छा आप ये बताओ मैं किसी फ्रेंड से या किसी मैडम से या किसी से आपको बात कराऊंगा तो आप उसको मेरी लुगाई बता दोगे, तब तो मेरी और मेरी बीवी में तलाक कर दोगे और वो मैडम अलग नाराज हो जाएंगी। नहीं बिल्कुल आपकी सेट बात है, ठीक है, वो हो तो वही चीज उसको देखिए, जो भी आपके पास एजेंट हैं जो भी हैं उनको ये बोलो तरीके से बात करो। हाँ कस्टमर अगर इलीगल जा रहा है ना तो उसकी माँ चोट दो, जूता निकाल के मारो, और मेरे से सपोर्ट चाहिए मैं करूंगा, चाहे वहाँ 50 हो चाहे 1000 हो चाहे 10,000 हो, उस गली में उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा उसका। लेकिन आप खुद गलत रहोगे तो आपके सपोर्ट में कौन खड़ा रहेगा, ये बताओ ना। नहीं सर कैसा लगते, तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यही है, आप आओ लीगल तरीके से बात करो, प्रेम से बात करो, बैठाऊंगा घर के अंदर बैठाऊंगा, एसी के नीचे बैठाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, नाश्ता कराऊंगा, सारा करूंगा, लेकिन आप रोड पे खड़े होकर चिल्लाओगे तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है सर, समझ रहे हैं संतोष भाई आप? हाँ 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 जी बिल्कुल सर, आप मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं समझूँ। हाँ तो वही है।